नमस्कार दोस्तों, एनके मॉनिटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में स्नान को लेकर विभिन्न प्रकार के नियम बताए गए हैं, जिनमें ये भी बताया गया है कि स्नान के समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो ग्रह दोषों से लेकर विभिन्न प्रकार के पापों का भागी बन जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्नान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही आज के आधुनिक समाज में लोग नदी या तालाबों के किनारों पर स्नान करने नहीं जाते, परंतु विशेष त्योहारों और कुंभ आदि के समय लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। क्या आप जानते हैं स्नान को लेकर धार्मिक शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के लिए स्नान के लिए तीन प्रकार के समय का प्रबंध किया गया है। इन नियमों के अलावा ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि आपको किन गलतियों से स्नान करते समय बचना चाहिए। अगर आप शास्त्रों में लिखी स्नान संबंधी बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो आप ग्रह दोषों के साथ ही अन्य भी कई सारे पापों के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपके लिए कौन सा स्नान सर्वथा उचित है, ग्रह दोषों से मुक्त रहने के लिए आपको कौन सी चीजों से बचना है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्नान के नियमों पर एक नज़र दौड़ाते हैं। नंबर एक, मुनि स्नान। दोस्तों, जब बात स्नान की हो रही है तो सबसे पहले बात आती है मुनि स्नान की। ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। शास्त्रों में इस स्नान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्नान बताया गया है। जो कोई भी व्यक्ति मुनि स्नान करता है उसे बल, विद्या और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उस घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। नंबर दो, देव स्नान। इसके बाद बारी आती है देव स्नान की, जो कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाता है। शास्त्रों में देव स्नान को उत्तम स्नान की संज्ञा दी गई है। जो कोई भी व्यक्ति देव स्नान करता है उसे यश, कीर्ति, धन, वैभव और संतोष आदि अनेक फलों की प्राप्ति होती है। नंबर तीन, मानव स्नान। इसके बाद बारी आती है मानव स्नान की, जो कि सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच किया जाता है। शास्त्रों में इसे साधारण स्नान की संज्ञा दी गई है। जो कोई भी व्यक्ति मानव स्नान करता है उसे कार्यों में सफलता, परिवार में एकता और सूझबूझ जैसी कई चीजों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके बाद सनातन धर्म में स्नान करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह 8 बजे के बाद होने वाला स्नान राक्षसी स्नान कहलाता है। जो कोई भी मनुष्य राक्षसी स्नान करता है उसके जीवन में दरिद्रता छा जाती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा हानि, क्लेश, दुख और परेशानियों से घिरा रहता है। तो दोस्तों, अब आप खुद ही निर्धारित कीजिए कि आपको कौन सा स्नान करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।